हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, जिसे कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी कहते हैं, ठीक है। एंड प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। तो आज बात करेंगे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि सीखने के सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है, एक व्यवहारवादी सिद्धांत, एक गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। एंड व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक वाटसन एंड गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के जनक वर्दीमर है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत हमारा प्रयास है त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक बिल्ली पर, और शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पावलोव रूस जो कुत्ते पर किए हैं, और क्रिया पशुत्व का सिद्धांत स्किनर जो चूहे पर किए हैं, प्रगलन का सिद्धांत हल और समीपता का सिद्धांत गुथरी, ठीक है। इन सब ये सब इसके अंतर्गत आते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत, इसमें से मैंने पिछले वीडियो में थार्नडाइक के प्रयास त्रुटि का सिद्धांत का विवरण दे दिया है। आज बात करने वाली हूँ पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, जिसे प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। पावलोव जो रूस कहाँ के थे, रूस के थे, रूस के मनोवैज्ञानिक या फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, रूस के मनोवैज्ञानिक व फिजियोलॉजिस्ट थे पावलोव, ठीक। इन्हें रूस का पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है, ठीक है, इन्हें रूस का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया और उसके द्वारा अनुबंधर द्वारा सीखना को बताया, ठीक है। उनका कहना है कि प्राणी जो है वो व्यर्थ की कोई अनुक्रिया नहीं करता है, बल्कि वो स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। कैसे करता है, इस पूरे वीडियो में आप जान जाएंगे कि स्वाभाविक अनुक्रिया वो कैसे करता है। तो प्राणी जो है, उनका कहना है प्राणी व्यर्थ की कोई अनुक्रिया नहीं करता है, बल्कि स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, ठीक है, अनुक्रिया वो स्वाभाविक ही करता है। जैसे कि प्रत्येक प्राणी की कुछ जन्मजात प्राकृतिक क्रियाएं या अनुक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। जैसे कि भोजन को देखकर मुंह में लार टपकना, ये क्या है, जन्मजात प्राकृतिक क्रिया है, ठीक है। भोजन के देखकर हमारे अंदर क्रिया होती है, जैसे मुंह में लार टपका जाता है, ये क्या हुआ, ये स्वाभाविक अनुक्रिया हुआ, क्योंकि जन्मजात है, हम तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है, जिन्हें स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं, ठीक है। और जब कोई उद्दीपक प्राणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्राणी उस उद्दीपक से संबंधित अनुक्रिया ही करता है। जैसे कि भोजन को देखकर, भोजन उद्दीपक हुआ, जिसके देखकर मुझे कुछ अनुक्रिया हो रहा है और मुंह से लार टपक गया, तो वो क्या हुआ, यानी भोजन, यानी भोजन ने, यानी जो उद्दीपक था उसको देखकर हमारे अंदर अनुक्रिया हुआ, जिससे लार टपका, वो क्या हुआ, वो स्वाभाविक अनुक्रिया हुआ, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक हो गया। एंड जो हमारे अंदर लार टपका, वो स्वाभाविक अनुक्रिया हुआ। उसी प्रकार इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है, ठीक है, जैसे कि भोजन और लार, ठीक है। तो कुत्ते कुत्ते को सामने भोजन रखा जाता है और भोजन को देखकर कुत्ते में लार टपकता है, यानी अनुक्रिया होता है स्वाभाविक। तो भोजन स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर कुत्ते के मुख से लार टपकना, वो स्वाभाविक अनुक्रिया है, ठीक है। तो इस प्रकार स्वाभाविक यानी प्राकृतिक अनुक्रिया का अनुकूलन किसी अस्वाभाविक अनुक्रिया के साथ कराया जा सकता है। जिस प्रकार स्वाभाविक यानी प्राकृतिक अनुक्रिया का अनुकूलन किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ कराया जाए, जैसे कि इनका कहना क्या है कि स्वाभाविक यानी प्राकृतिक जो अनुक्रिया है, उसका जो अनुकूलन है, जिस प्रकार से स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ हो रहा है, भोजन को देखकर जैसे कुत्ते के मुंह में लार आ रहा है, उसी प्रकार कुछ अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ भी कराया जा सकता है। कैसे कराया जा सकता है, चलिए समझते हैं। जैसे कि इन सब बातों को समझने के लिए पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, ठीक है, इन सब बातों को समझने के लिए पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर। उन्होंने दो चीज लिया, कुत्ता और लार, भोजन, ठीक है। तो भोजन एक स्वाभाविक या प्राकृतिक उद्दीपक है, ठीक है, जिसे देखकर कुत्ते में
लार टपकता है, ठीक है, जो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, ठीक है। भोजन यानी भोजन जो है वो स्वाभाविक या प्राकृतिक उद्दीपक है। भोजन क्या है? स्वाभाविक या प्राकृतिक उद्दीपक है। तो प्राकृतिक उद्दीपक को देखकर कुत्ते के अंदर अनुक्रिया होता है जिससे लार टपकता है, ठीक है। जो ही भोजन को देखता है उसके सुगम से कुत्ते के मुख में लार टपकता है यानी अनुक्रिया होता है। तो वो भोजन को यानी प्राकृतिक उद्दीपक भोजन को देखकर स्वाभाविक उद्दीपक भोजन को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया लार का टपकना यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो भोजन देने के पहले फिर इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार स्वाभाविक उद्दीपक भोजन को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया लार टपकता है उसी प्रकार उसका अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ भी कराया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि अब भोजन को तो हम सामने दिखाए तो कुत्ते के मुंह से लार टपका तो भोजन स्वाभाविक उद्दीपक हो गया और लार स्वाभाविक अनुक्रिया हो गया, तो क्यों ना हम एक अन्य प्रयोग करें। तो वो एक अन्य प्रयोग क्या करे कि जैसे भोजन को सामने रखा गया और उसके साथ साथ घंटी भी बजाया गया जो अस्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है। भोजन तो स्वाभाविक उद्दीपक है और उसके साथ साथ घंटी बजाना जो है वो अस्वाभाविक उद्दीपक है। यानी कि जब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को प्राणी के समक्ष स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी की स्वाभाविक अनुक्रिया का अनुकूलन उसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ हो जाता है। तो इस बात को हम समझते हैं, जैसे जब भोजन दिया गया तो कुत्ते के मुंह में लार टपका, उसको मापा गया, फिर जब भोजन के साथ बार बार घंटी बजाया गया, भोजन देने से पहले जब भी भोजन दिया जाता था घंटी बजाया जाता था, फिर उसके लार को फिर मापा जाता था कितना टपका, तो हर बार रिजल्ट सेम से आता था, ठीक है। तो स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के साथ साथ अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी भी बार बार बजाया गया, ठीक है। तो उसके साथ स्वाभाविक अनुक्रिया का अनुकूलन उसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ हो गया। यानी कि एक बार ऐसा समय आया कि भोजन को न सामने रख करके ओनली घंटी बजाया गया, यानी ओनली स्वाभाविक उद्दीपक भोजन को न रख करके ओनली घंटी यानी अस्वाभाविक उद्दीपक को साथ बजाया गया, और जैसे भोजन को देखकर उसके मुंह में से लार टपकता था उसी तरह घंटी की आवाज सुन करके उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो गया। तो इस प्रकार उन्होंने बार बार ऐसा करने से लार के आने की क्रिया का अनुबंधन उस घंटी के प्रति हो गया जैसा उसके भोजन के प्रति हुआ था। तो उस घंटी बजाने से भी लार टपक रहा है जितना भोजन को देखकर टपकता था। इस प्रकार घंटी जो है अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ अनुबंधन हो गया, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया का अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी के साथ अनुबंधन हो गया यहाँ पे। इस प्रकार स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया का लार को मापा गया बार बार तो रिजल्ट सेम आया, ठीक है। तो इस प्रकार अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति यानी कि घंटी के प्रति, अस्वाभाविक उद्दीपक कौन है? घंटी है। स्वाभाविक उद्दीपक कौन है? भोजन है। अब तो भोजन न देख करके ओनली अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी बजा जा रहा है तो भी लार का उतना ही टपकना हुआ, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार का अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी के प्रति उसका अनुबंधन हो गया, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का अनुकूलन यहाँ पे हो रहा है, अनुकूलन या अनुबंधन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यानी कि इनका कहना है कि अनुकूलन में आ जाने के बाद कोई भी चीज हैबिट में आ जाती है। जैसे कि उसको बार बार भोजन दिया गया, उसको देख कर लार टपका, अब भोजन के साथ फिर घंटी बजाया गया, उसको देख कर लार टपका, रिजल्ट सेम आया, उतना ही लार टपक रहा है। फिर क्या हुआ कि भोजन को न देख कर दिखा करके ओनली घंटी बजाया गया, फिर उतना ही लार टपका। यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति यानी अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का यानी लार का अनुकूलन यानी अनुबंधन हो रहा है, इसलिए इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे जब घंटी के प्रति लार की क्रिया का अनुकूलन अनुबंधन हो गया यानी कि उसका घंटी के प्रति लार आने की क्रिया का अनुबंधन हो गया यानी अनुकूलन हो गया हो जाना, ठीक है। इसलिए इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि जो स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार का है
वो अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी के प्रति उसका अनुबंधन हो जाता है, अनुकूलन हो जाता है, इसलिए उसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। तो बार बार भोजन दिया जाता है, लार उतना ही आता है, भोजन के साथ घंटी बजाया गया, लार उतना ही टपका, जो स्वाभाविक स्वाभाविक अनुक्रिया है। फिर भोजन भोजन न दे करके, भोजन न रख करके ओनली घंटी बजाया गया तो भी लार का उतना ही टपकना हुआ। इस प्रकार स्वाभाविक अनुक्रिया लार का अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी के प्रति अनुकूलन हो जाता है, अनुबंधन हो जाता है, इसलिए इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बार व्यवहारवादी सिद्धांतों ने अधिगम का प्रयोग करते हुए, ठीक है, मनोवैज्ञानिकों द्वारा घंटी का प्रयोग करते हुए घंटी जैसा कोई वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया गया। ठीक है, घंटी का प्रयोग करते हुए उन्होंने घंटी जैसा कोई वाद्य यंत्र प्रयोग किया तो भी क्या कहते हैं, उसका रिजल्ट सेम आया। ठीक है, इसलिए इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो पावलोव के सिद्धांत को कक्षा शिक्षण में कैसे उपयोग होता है? जैसे कि 5+7 होता है, ठीक है, बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि 5+7 होता है, यानी 9+5 क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, तो 5+7 क्या होगा, तो इसको जानने के लिए 5+7 क्या होगा, तो ऐसे बच्चों को कैसे सिखाएंगे, तो बच्चों को ऐसे करने के लिए अस्वाभाविक उद्दीपक का प्रयोग करेंगे। कैसे, पहले लाइन लाइन ऐसे खींच करके बच्चों को गिनाएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद 5 लाइन खींचेंगे, फिर 7 और खींचेंगे, ऐसे करके बच्चों को सिखाएंगे अस्वाभाविक उद्दीपक इसको कहेंगे। फिर करते 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 जैसे समझता जाएगा उसका अनुक्रिया उस अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हो जाएगा और लास्ट में वो क्या करेगा कि वो बिना ऐसे किए उस कार्य को सीख जाएगा, गिनती गिनना सीख जाएगा, जोड़ना वो सीख जाएगा। तो इस प्रकार ये पावलोव का सिद्धांत था। और पावलोव के सिद्धांतों को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो जैसे कि मैं तो बता चुकी हूँ, बट एक जगह आप ये समझ लीजिए कि पावलोव के सिद्धांतों को 3 नामों से जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने घंटी के प्रयोग करते हुए घंटी जैसा कोई दूसरा वाद्य यंत्र प्रयोग किया, फिर रिजल्ट सेम आया, इसलिए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किया कहा गया इसको। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इसलिए कहा गया क्योंकि जो उसका स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार है, उसका अनुबंधन या अनुक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपन घंटी के प्रति हो जाता है, इसलिए उसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों ये था पावलोव का सिद्धांत जो कुत्ते पर उन्होंने किया है प्रयोग। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें से क्वेश्चन सिर्फ इस प्रकार के बन सकते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, या अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इनके नामों को क्या क्या कहा जाता है इसको आप याद कर लीजिए। और अब तो मुझे आशा है कि पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, पूरे वीडियो के देखने के बाद इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन इसमें बनेंगे। और वो कहाँ के थे बस इसको याद कर लीजिए, ये रूस के थे और रूस के मनोवैज्ञानिक और फिजियोलॉजिस्ट थे। और इन्हें रूस का पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। किस पर प्रयोग किया इन्होंने, कुत्ते पर प्रयोग किया। ठीक है, और 3 चीज़ों का प्रयोग किया, भोजन जो स्वाभाविक उद्दीपक था, लार जो स्वाभाविक अनुक्रिया है, और जो घंटी था वो स्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक था। ठीक है, तो इस प्रकार आई होप कि आपको पावलोव का इस सिद्धांत को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसका डाउट जरूर क्लियर करूँगी। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।